होता है उसके पास जब किसी सीधे साधे आदमी को लाते हैं तो वो उसको नमस्कार करता है, झुकता है, उसको ऐसे करता है, तीन चार बार झुकता है, मगर उसके चेहरे पे आप एक डर देखेंगे। धम्मपद गाथा कथा नंबर 108 108 सहस्र वर्गों की एक गाथा है। यं किंचि इत्थं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेत पुण्यपेक्षो सब्बम्पि तंग ने चतुर्भागमेति अभिवादना उजु गतेषु सेयो। इसकी जो कथा है वो कथा सारिपुत्र के साथ की है। सारिपुत्र अपने एक मित्र से चूंकि सारिपुत्र अर्हत हो चुके हैं, उन्होंने निर्वाण पद का, अमृत पद का, अमृत का स्वाद चख लिया है, जो परम सुख है निर्वाण में वो चख लिया है, तो वो चाहते हैं कि सभी उनके जो आसपास लोग हैं, खासतौर से जो अर्हत होने से पहले थे वो सभी उनके लोग भी इसको प्राप्त करें। तो उनके जो अधिकतर लोग हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं, फायर वर्शिपिंग करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो एक मित्र के पास वो जाते हैं, उस मित्र से कहते हैं कि तुम पुण्य काम करने के लिए क्या करते हो। उनका फ्रेंड है वो कहता है कि मैं पुण्य कमाने के लिए जो यज्ञ है यानी जो अग्निकुंड है उसमें आहुति देता हूं, कभी इच्छा से कभी अनिच्छा से, कभी मन मार के कभी मन से देता हूं, ये सोच के कि मैं इसमें कुछ पुण्य लाभ अर्जित करूंगा, इसमें आहुति डालने से कुछ पुण्य लाभ मुझे मिलेगा, मेरे कुछ पाप कर्म कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सारिपुत्र, चूंकि सारिपुत्र का सिद्धांत है कि सारिपुत्र अपने परिचितों को, पूर्व जो परिचित हैं, पुराने जो परिचित हैं, उनको खुद देशना नहीं देते, क्योंकि आपने सुना होगा कि अपने गांव का जोगी और दूसरे गांव का जो होता है वो जोगना, वो जो कहावत है आपने सुनी होगी कि अपने गांव का जो जानकार होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, और जो दूसरे गांव का चाहे भले ही कोई जानकार ना भी हो उसको कहते हैं आओ जी प्रधान जी बैठो जी कितने बड़े ज्ञाता हैं, कहीं उसने कोई कपड़ा वपड़ा उस ढंग का पहन रखा हो, भेषभूषा बना रखी हो, तो फिर तो उसके आदर का कहने क्या। तो इस बात को जानते हुए सारिपुत्र उसको अपने जो टीचर हैं, जो शास्ता हैं, जो शिक्षक हैं, जो सत्तु हैं, भगवान बुद्ध के पास, भगवंता, भगवान भगनवान भगवा, इनके पास लेके जाता है। तो वहां सारिपुत्र के बताने पे कि ऐसे ऐसे ये करते हैं, तब ये भगवान गाथा कहते हैं। यं किंचि इत्थं हुतं च लोके, यं किंचि इत्थं च हुतं च लोके का मतलब है कोई यदि, जो कोई क्या करे, इत्थंग च, इसमें जो इत्थंग वर्ड है वो जो शब्द है इत्थंग का मतलब है ऐंठना। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ऐंठ के मारे पैंठ हो जा रहा है, या इसने मेरा पैसा ऐंठ लिया, या ये तो सबको ऐसे ही ऐंठ लेता है। ऐंठ का मतलब है कि बेवकूफ बना के, बिना इच्छा के, बिना जानकारी के, या मजबूरी में ऐंठना होता है। जैसे किसी का पैसा ऐंठ लिया तो उसको अच्छी तरह से कमाना नहीं बोलते हैं, मजबूरी बस कमाना बोलते हैं कि भाई उसने मुझसे धोखे से पैसा ले लिया। तो चे इथिंग चे हुतंग चे, हुतंग माने होता है जो जलावन डालते हैं, जो किसी यज्ञ में, किसी अग्नि कुंड में जो जलावन डालते हैं उसको हुत बोलते हैं। तो जो इट है या हुत है, यानी कि मैं अपनी इच्छा से उसमें कुछ डालूं या बिना इच्छा के उसमें डालूं। चे लोके, लोके माने जो शरीर है, यानी वो व्यक्ति जो डाले। संवत्सरंग यजेत पुण्य खेतो, संवत्सरंग, संवंत आपने सुना होगा, संवंत जो पाली का शब्द है बेसिकली, ये संवंश करके बोलते हैं इसको, संवंश, संवंश का मतलब है संवत्सर, संवत्सर का मतलब है ईयर, जो ईयर होता है, तो यानी सालों तक। यजेत पुण्य पेखो, यजेत माने कोई यज करे, कोई अग्निकुंड की पूजा करे, कोई फायर, जो फायर है आग है उसकी पूजा करे। पुण्य पेखो,
किसकी अपेक्षा करते हुए, पुण्य की अपेक्षा करते हुए, पुण्य की अपेक्षा करते हुए, पुण्य के लिए, पुण्य के लिए कोई अगर साल भर तक भी चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से अगर उसमें आहुति डाले, जलावन डाले या कुछ उसमें डाले, तो सब्बंपी तंगने चतुभाग मेति। सब्बंपी माने सब भी, यानी जितना भी किया है सब भी। सब अंपी तंग ने वह नहीं है चतुभाग मेति, चौथा भाग भी होता है, चौथा भाग भी होता है चतु भाग मेति। अभिवादना उजु गतेसु सेयो, किसका अभिवादना उजु गते सेयो। उजु गतो का मतलब है, उजु माने होता है बिल्कुल सीधा साधा, गत माने गया हुआ, उजु गते सेहु का मतलब में, यानी कि जो व्यक्ति सीधा साधा है उसको अगर आप अभिवादन करेंगे तो उसके चौथाई भाग के पुण्य के बराबर भी, पूरे वर्ष भर भी अगर आप आहुति डालते रहेंगे तो वो काम नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप किसी सीधे साधे व्यक्ति को जो श्रेष्ठ है उसको, जो श्रेष्ठ काम है उसको अभिवादन करें। ऐसा बुद्ध ने अपनी देशना में कहा, भगवान ने, भगवंतु ने, भगवान ने, भागवान ने, भगवान ने, बहुत सारे नाम हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो इसके पीछे आप समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली किसी सीधे साधे आदमी को अभिवादन करके, नमस्कार करके, या उसको रोज उसकी वंदना या स्तुति करके, या उसको मुस्कान देके, या उसका आदर करके कैसे कोई आदमी पुण्य प्राप्त करता है। आपने पिक्चरें बहुत देखी होंगी, पिक्चरों में एक डॉन होता है या एक बदमाश करेक्टर होता है, एक बहुत बड़ा जो अपने आप को, कई करेक्टर उसमें आते हैं जो बदमाशी के करेक्टर हैं, जो डॉन के करेक्टर हैं, बड़े बड़े सारे उनके नाम हैं कई पिक्चरों में, अलग अलग पिक्चर आपको याद होंगी उसमें बहुत तरह के। भारत की जो हिंदी पिक्चर है उनमें तो बड़े सारे जातिगत नाम भी हैं जो डॉन का काम करते हैं। तो जो डॉन होता है उसके पास जब किसी सीधे साधे आदमी को लाते हैं तो वो उसको नमस्कार करता है, झुकता है, उसको ऐसे करता है तीन चार बार झुकता है, मगर उसके चेहरे पे आप एक डर देखेंगे, एक देखेंगे कि वो मजबूरी में उसको नमस्कार कर रहा है। और जब वो सीन से हट जाता है, पीछे जाता है, तो उसको गाली भी बकता है, अपनी जेब भी मिटाता है, अपना जो अंदर का उसका जो वहां से अपमान सा है वो भी लेके आता है, तो वो मन से वहां नमस्कार नहीं करता और उसको वहां अपने शरीर में ज्वाला या अग्नि महसूस होती है। आप भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करेंगे, जो व्यक्ति सज्जन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, जो नुकसान करता होगा, जो दबाव डालता होगा, जो जबरदस्ती करता होगा, जो आपके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार रहता होगा, या अपने बल का अनैतिक प्रयोग करता होगा, या आपको कहीं दबाता होगा, या आपको डराता होगा, या आपका पैसा छीनने के चक्कर में रहता होगा, या आपका काम खराब करने के चक्कर में रहता होगा, तो आप उसको अगर नमस्कार करते हैं तो वो डर की वैसे कहते हैं। ये जो एक मुहावरा चलता है कि भय बिन प्रीत नहीं गोपाला, यानी कि जब तक भय पैदा नहीं करोगे प्रीत नहीं होगी, ये बिल्कुल झूठा मुहावरा है, ये प्राकृतिक मुहावरा नहीं है। भय से कभी प्रीत नहीं होती, अगर भय से प्रीत होती या डराने से प्रीत होती तो दुनिया में सारे लोग डराते ही, फिर तो प्रीति प्रीत होती चारों तरफ, डर होता ही नहीं। क्योंकि भय से तो भय ही पैदा होगा, और भय से क्रोध होगा और हिंसा होगी और अग्नि होगा और लालच पैदा होगी और क्राइम पैदा होगा। वैसे जब आदमी डर जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए क्राइम करता है, जब डर जाता है तो डरा हुआ आदमी या तो डिप्रेशन में चला जाता है या वार करता है, पलट कर वार करता है। इसलिए भगवान बुद्ध सबको भय मुक्त बनाते थे, अभय बनाते थे। इसलिए उन्होंने धम्म दान के बाद अभय दान का दान सबसे बड़ा बताया है कि किसी प्राणी को अभय दान देना, जीवन का दान देना सबसे बड़ा दान होता है धम्म दान। क्योंकि धम्म दान में तो सारे ही दान आते हैं, दान माने देना होता है, यानी सुरक्षा दे दी आपने उसको। तो ये जो सेंटेंस है कि भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, बिल्कुल झूठा, और लोगों के दिमाग में जबरन भय को एक सही तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जो लोग समझते हैं और ऐसा जानते हैं। मगर अगर यदि आप सीधे साधे किसी व्यक्ति को नमस्कार करेंगे, कोई मोहल्ले में आपका बहुत सज्जन व्यक्ति है, तो हर आदमी उस सज्जन व्यक्ति तक खिंचा चला जाता है। क्यों? एक तो उससे भय नहीं है, उससे कुछ अच्छी बात मिलेगी, और अच्छी बात ना भी मिलेगी तो उसके साथ रह के आपको एक अच्छाई का सर्टिफिकेट मिलेगा कि अगर ये अच्छे व्यक्ति के पास बैठा है तो ये अच्छा व्यक्ति है, ये गारंटी हो जाएगी। आप उससे रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, उसके घर में सब रिश्ता करना चाहेंगे, उसको कुछ देना भी चाहेंगे, उसकी सुरक्षा भी करना चाहेंगे,
वो अगर अपने मोहल्ले से कहीं चला जाता है तो उसके घर की सुरक्षा भी आप करेंगे, उसकी पारिवारिक देखभाल भी करेंगे। अगर उसके घर पर कोई बात होती है तो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या बात हो गई आज, ये सज्जन व्यक्ति है, इसके साथ में क्या हुआ है, कोई मिसहैपनिंग, कोई दुर्घटना हो जाए तो सारे लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। जबकि जो कमीना आदमी है उसके लिए कहते हैं अच्छा हुआ साला मर गया, अच्छा हुआ साला ऐसा हो गया, अच्छा हुआ साले का ऐसा हो गया, तो गाली के साथ में अलंकार के साथ में और ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये बात भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले देखी विपस्ना से और बताई कि सज्जन व्यक्ति को नमस्कार करने से, अभिवादन करने से उसकी शक्ति आप में आ जाती है, और दुर्जन व्यक्ति जो होता है, जो पापी व्यक्ति होता है, जो डॉन होता है, जो मक्कार होता है, जो क्रोधी होता है, जो लालची होता है, जो बलात्कारी होता है, जो अपराधी होता है, मजबूरी में जो आदमी उसके साथ रहता भी है किसी मजबूरी वश या लालच वश, वो भी वैसा ही होता है, लोग उससे भी उतनी ही घृणा करते हैं जितनी उस डॉन से करते हैं। इसलिए ये गाथा कही है, जो गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kamesu Michacharavirmani Sikkhapadam Smadhyami